एक ओर जहां बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया मोड़ ला दिया, तो वहीं अब अमित जोगी ने बड़ा दांव खेलते हुए सीधे घोषणा पत्र का ही ऐलान कर दिया। अब इस घोषणा पत्र ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी खास घोषणाएं और वादे जेसीसी जे ने किए हैं जिसने बीजेपी कांग्रेस के अब तक किए गए घोषणाओं की काया ही पलट कर दी, और इसके अलावा क्या नई योजनाओं को इसमें ऐड किया गया है जो लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, आज इस रिपोर्ट में बात करेंगे। जय जोहार, मैं हूं पूजा शर्मा, छत्तीसगढ़ तक में आपका बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी जेसीसी जे ने गौरेला के मिशन ग्राउंड में शक्ति प्रदर्शन कर चुनावी बिगुल फूंका। इस दौरान अमित जोगी ने जेसीसी जे की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन में 10 कदम गरीबी खत्म का नारा देते हुए अपने चुनावी घोषणा पत्र का ऐलान किया। चलिए आपको बताते हैं उन 10 घोषणाओं के बारे में जिनको लेकर जेसीसी जे जनता के बीच जाएगी। पहला, जेसीसी जे ने अपने पहले वादे में किसानों को साधने की कोशिश की है। उन्होंने धान का समर्थन मूल्य 4,000 रुपए प्रति क्विंटल देने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने जितना धान किसान बेचना चाहते हैं उसे पूरा खरीदने का वादा भी किया। वहीं प्रति एकड़ धान खरीदने की सीमा समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा हर साल प्रति एकड़ 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि किसानों को दी जाएगी। इसी से मिलती जुलती दूसरी घोषणा भी किसानों के लिए की गई है, जिसके तहत किसानों को खेती के लिए पूरी तरह फ्री में बिजली दी जाएगी। वहीं 60 वर्ष से कम उम्र के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों, दिव्यांगों, विधवाओं, विधुरों और सभी पंजीकृत बेरोजगारों को 3,000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को हर महीने 4,500 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। जेसीसी जे ने चौथी बड़ी घोषणा कब्जाधारियों को लेकर की है, जिसमें 15 साल से ज्यादा जमीन के कब्जाधारियों को प्राथमिकता से पट्टा दिया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को 5,00,000 रुपए में जोगी निवास के नाम से 2 BHK आवास दिया जाएगा। जिन भी लोगों के कच्चे मकान हैं उन्हें पक्के मकान दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले हर वर्ग के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भूपेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। इसको देखते हुए जेसीसी जे ने अपनी 5वीं और 6वीं घोषणाओं में कर्मचारियों को साधने की कोशिश की है, जिसके तहत सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थाओं एवं ठेका श्रमिक प्रदाताओं को 95% नौकरियां छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को देने की कानूनी बाध्यता रहेगी। वहीं 8 साल या उससे ज्यादा समय से सेवा दे रहे सभी दैनिक वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारियों का तत्काल नियमितीकरण कर दिया जाएगा। प्रदेश में लगातार उठ रही शराबबंदी की मांग को भी जोगी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भुनाने की कोशिश की है और मैदानी इलाकों में पूर्ण शराबबंदी करने का ऐलान किया है। वहीं सभी शराब दुकानों को दूध और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स बेचने के लिए इस्तेमाल करने की बात भी कही है। अमूल की तर्ज पर राज्य में दुग्ध प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए सहकारिता मॉडल पर राज्य सरकार 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बेटियों को स्वावलंबी बनाने की ओर भी उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत बेटी के पैदा होते ही उनके खाते में 1,00,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट करने की घोषणा इन्होंने की है, जो 18 वर्ष की आयु में बेटी को देय होगा। इस पैसे का उपयोग बेटी को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में किया जा सकेगा। वहीं सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को स्वयं का व्यापार करने और उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उनके द्वारा आवेदन करने के 1 माह के अंदर 10,00,000 रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा भी इन्होंने की है। पोरी, उपरोड़ा, पसान को GPM जिले में शामिल किया जाएगा। हर वर्ष 450 करोड़ रुपए के काम में हो सकेंगे। कोल बिर्रा सिंचाई योजना भी चालू किया जाएगा। तो ये रही जेसीसी जे की 10 बड़ी चुनावी घोषणाएं, जिसे लेकर अमित जोगी ने 10 कदम गरीबी खत्म का नारा दिया है। बहुत से मायनों में ये वादे काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत से नए मुद्दों पर फोकस किया गया है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि छत्तीसगढ़ की जनता जेसीसी जे के इन घोषणाओं से कितना प्रभावित हुई है। ये खबर हम तक पहुंचाई पिंडरा से हमारे सहयोगी राकेश मिश्रा ने। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ की ऐसी ही खबरें अब आपको व्हाट्सएप पर भी मिलेंगी। ऐसी खबरों को पढ़ने और देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक जरूर करें। जय जोहार, नमस्कार।